हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर की बहुत सारी कैटेगरीज के लिए। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन और लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने जॉब पोस्ट निकाली हैं तो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज का मतलब ये है कि काफ़ी सारी ब्रांचेज के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, उसी के साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी डिफरेंट होगी। यानी कि किसी के लिए बीई या बीटेक है, उसी के साथ साथ किसी के लिए एमई या एमटेक वगैरह भी है, उसी के साथ साथ कुछ पोस्ट के लिए एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि जो टोटल कैटेगरीज हैं वो 23 कैटेगरीज हैं। डिटेल में इसके बारे में आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर मैं हर एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो काफ़ी लेंथी ये वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में पता लग जाए। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि ये पहली पोस्ट है कैटेगरी 3 की, ये है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। टोटल पोस्ट जो है वो 10 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो ड्यूरेशन है इस पोजीशन की वो 1 साल है, लेकिन ये बढ़ाई भी जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेरी आपकी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपको 1-2 साल ही हुए हैं किसी और इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो आपको इसके लिए ज़रूर जाना चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर है बी बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जबकि आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जो डिज़ायरेबल स्किल सेट्स हैं वो है, जैसे कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए HDL बेस्ड डिज़ाइन में, सिमुलेशन वगैरह में। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मंथली यहाँ पर सैलरी जो है 26,500 के आसपास है। एज जो है वो एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, वो है लगभग आपकी बिलो 37 ईयर्स, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ये। तो इसी टाइप की जो क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं वो आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको जो सूटेबल लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो देखिए, जैसे ये है प्रोजेक्ट इंजीनियर CS के लिए, तो यहाँ पर भी जो पोस्ट हैं और उनके स्किल सेट्स हैं वो मेंशन हैं। उसी के साथ साथ ये है आपकी, जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर, यहाँ पर आपकी एमटेक डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर VLSI में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, तो इसके लिए जो है BE BTech है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास। और बाकी की चीज़ें यहाँ पर, जैसे एक्सपीरियंस आपका डिज़ायरेबल नहीं है तो यहाँ पर वो लोग आसानी से भर सकते हैं। उसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे, ये है प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 3 हैं, वही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आप इस तरीके से हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और जहाँ पर आप सूटेबल समझते हैं उसके लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, तो सभी कैटेगरीज मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये कैटेगरी 10 है, 11 है, उसी तरीके से और भी कैटेगरीज हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट नोट कुछ होंगे या फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि जो ये अपॉइंटमेंट होंगे आपके, ये सभी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, आपके 1 साल के लिए या फिर फिक्स ड्यूरेशन के लिए हैं, लेकिन ये बढ़ाए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रख के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अब अप्लाई कैसे करना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ पर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है 29/11/2017 तक। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको इसको भेजना है डाक के द्वारा, ठीक है, पोस्ट के द्वारा भेजना है 6/12/2017 तक। और आपको उसके साथ में एक DD बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट, 500 रुपये का अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और 250 रुपये का अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जो कि आपका होगा सीडेक तिरुवनंतपुरम के नाम से। और आपको ये भेज देना है 6/12/2017 तक। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ये सब चीज़ें टाइमली पहुंच जाएं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो लोग गलतियाँ कर देते हैं, बाद में वो पछताते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान में रखनी है कि जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके बैक साइड पर आप अपना नेम और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST या फिर आपके PH कैटेगरी, तो वो आपको लिखना होगा और भेज सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो
आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपने अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका दिया है, सिग्नेचर वगैरह कर दिए हैं, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हैं यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज को भी आपने एनक्लोज कर दिया है, ठीक है, उसकी लिस्ट मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। और उसी के साथ साथ कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह आपका ये एक्टिव होना चाहिए जब तक कि पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि डिले के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि टाइमली आप भेज दें। फोटोग्राफ वगैरह को और सिग्नेचर का खास तौर पर ध्यान रखना है, कुछ लोग भूल जाते हैं इसी कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। और जो लोग किसी पीएसयू वगैरह में या फिर गवर्नमेंट एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया दिया है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15/11/2017 से लेकर 29/11/2017 तक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो लास्ट डेट है भेजने की वो है 6/12/2017 5:30 बजे से पहले। तो इससे पहले पहले आपका जो फॉर्म है डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा इनके जो एड्रेस दिया हुआ है वहां तक पहुंच जाना चाहिए, जिसका मैं आपको आगे भी बता दूंगा। उसी के साथ साथ जो डेट है टेस्ट या इंटरव्यू की वो आपको ईमेल कर दी जाएगी इस डिपार्टमेंट के द्वारा। अब और बात कर लेते हैं कि क्या कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है और क्या कुछ कंडीशन है। तो देखिए कुछ वही सेम चीज़ें हैं जैसे कि आपको खुद से ये मेक श्योर करना है कि आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं, इसलिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप पाए जाते हैं कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो कैंडिडेटचर आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, जैसे कि अपर एज लिमिट हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, एक्सपीरियंस हो गई, तो उसकी जो डेट है यानी कि किस डेट के आधार पर काउंट की जाएगी वो है 29/11/2017, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके आधार पर आपको देखना है कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप पूरी करते हैं, एक्सपीरियंस पूरा करते हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए जाइएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस तरीके से ये भर्ती की होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट के थ्रू गुजरना होगा जिसके लिए आपको मेल कर देंगे, और वहाँ पर आपको क्या होगा 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जेनरिक एरिया से होंगे और 50% टेक्निकल एरिया से होंगे, यानी कि जिस ब्रांच से आप आते हैं सीएस, मैकेनिकल, ईसी वगैरह से, तो उसके 50% क्वेश्चन होंगे, 50% आपके जेनरिक एरिया में होंगे। जेनरिक एरिया में क्या क्या होंगे, आपकी इंग्लिश होगी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एबिलिटीज होंगी, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड वगैरह जो नॉर्मली आपको हर एग्जाम में आजकल देखने को मिलती है, तो 50% क्वेश्चन वहां से होंगे और 50% आपके टेक्निकल क्षेत्र से होंगे। उसके बाद जो लिस्ट बनेगी जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे रिटन टेस्ट में उनको बुलाया जाएगा आपका इंटरव्यूज के लिए, जो कि मल्टी लेवल का भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है। अब उसके बाद देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो भी आपने अचीव की है तो वो फुल टाइम होनी चाहिए, ठीक है, और हमेशा आप ध्यान रखिए वो आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर डीम यूनिवर्सिटी वगैरह से ही होनी चाहिए, यूजीसी एआईसीटी अप्रूवल उसका होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर बतानी है आपको वो है कि अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो CGPA या फिर OGPA में आपके जो डिग्री है वो प्रोवाइड कराती है तो आपको उसको इक्विवेलेंट परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा, जो कि आपके डिग्री के बैक साइड पर फॉर्मूला लिखा होता है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यही सेम चीज़ आपको इंटरव्यू के टाइम पर प्रोड्यूस करनी होगी। उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कुछ लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने साफ मेंशन किया है जिन लोगों जो लोग फाइनल ईयर में हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पास आउट कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी बता दूँ कि कोई TA DA वगैरह भी आपको पेबल नहीं होगा, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज आती हैं तो मैं यहीं पर आपको वो बता रहा हूँ। अब देखिए एक्सपीरियंस वगैरह जो है, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आपने डेली वेजेस पर, ठीक है, या फिर पार्ट टाइम बेसिस पर अगर आपने एक्सपीरियंस कंसिडर किया है जैसे गेस्ट फैकल्टी वगैरह, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया नहीं जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं का काउंट किया जाएगा जिन लोगों का फुल टाइम हो, और जो क्वालिफिकेशन है आपकी यानी कि आपने BTech के बाद MTech के बाद ही वो एक्सपीरियंस गेन किया होना चाहिए, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनके कारण बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हुए मैंने देखे हैं। तो यहाँ पर मैं वह सभी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, वो है कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसको फिल कर दिया, उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बाय पोस्ट सेंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो है आपका नॉन रिफंडेबल DD, जो कि आपका 500 रुपये का है। ऊपर मैंने बताया है मेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये का है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसी के साथ साथ जो आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज, वो आपको पेस्ट करना है। उसी के साथ साथ साइन करना भी मत भूलिएगा, ठीक है, उसके अक्रॉस साइन भी करने हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको चाहिए, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। उसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो उसका चाहिए ज़रूर आपको, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका भी आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्ट करके ज़रूर भेज दीजिए 6/12/2017 से पहले पहले। उसी के साथ साथ जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जितने डॉक्यूमेंट्स आपको एनक्लोज करने हैं, तो वो आप सबको भेज देने हैं इस एड्रेस पर जो यहाँ पर मेंशन है। पाउज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ पर आप इस एड्रेस को नोट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको कैटेगरी नंबर वगैरह, पोस्ट वगैरह, आपको जो आपका एनवेलप है उसके टॉप पर लिखनी है। तो आई होप आपको एक पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो एटलीस्ट लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से ही हमें पता लगता है कि जो हमारा प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है। शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिनके लिए आप समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी